मध्य प्रदेश खेल एकेडमी में प्रवेश के लिए जिला एवं संभाग स्तर पर बेहतरीन खिलाड़ियों की खोज की जा रही है। इसके लिए रानीताल स्टेडियम में 12 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया संपन्न हुई। मध्य प्रदेश खेल एकेडमी में प्रवेश के लिए रानीताल स्टेडियम में 12 से 18 वर्ष तक की आयु के खिलाड़ी जमकर पसीना बहा रहे हैं। दरअसल स्टेडियम में विभिन्न खेल गतिविधियों के लिए टैलेंट सर्च अभियान चल रहा है, जिसमें शामिल खिलाड़ी एकेडमी में प्रवेश पाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार खेल विधा में मलखम और योगा को भी शामिल किया गया है। अत्यंत हर्ष की बात है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा और इंडियन गवर्नमेंट द्वारा टैलेंट सर्च प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है, इसमें कुल 17 विधाएं जो हैं खेल की इसमें जुड़ी हुई हैं, जिसमें से अभी वर्तमान में कुछ नए खेल इन्होंने जोड़ा है, जैसे योगा हुआ, मलखम हुआ, ये बाहर थे, उसके लिए हम लोग मध्य प्रदेश योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन की तरफ से, जो हमारे मध्य प्रदेश में पवन जैन साहब हैं खेल एवं कल्याण विभाग में, उनको हम लोग ने एक पत्र लिखा था, उसी पत्र के माध्यम से उन्होंने इस खेल को जोड़ा। हम उनको हृदय से बधाई देना चाहते हैं और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की इस कार्यक्रम की सराहना करते हैं कि जो नर्सरी दिख रही है, अगर सरकार इसमें सहयोग कर रही है तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ आगे जाकर विश्व स्तर के खिलाड़ी तैयार हो सकेंगे। ये रानीताल खेल परिषद स्टेडियम है, यहाँ पर 12 से 18 साल तक के राज्य सरकार के द्वारा ये टैलेंट सर्च का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के बच्चे जिनकी उम्र 12 से 18 साल है टैलेंट सर्च में भाग ले रहे हैं। ये अपने यहाँ जो मध्य प्रदेश की एकेडमी है, 18 गेमों के लिए ये सर्च रखा गया है। जो भी बच्चे इसमें स्पर्धा में यहाँ से क्वालिफाइड निकले जाएंगे, वो संभागी टैलेंट सर्च में भाग लेंगे। वहीं प्रतिभागियों में भरपूर उत्साह नजर आया। यहाँ पे बहुत अच्छा है, मैं फिजिकल के लिए आई थी, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है। किस खेल में जाना चाह रहा है? आर्चरी। यहाँ पे एक टैलेंट रिसर्च का बहुत अच्छा चल रहा है युवकों के लिए। ये शासन की एक बहुत अच्छी पहल है जो टैलेंट रिसर्च वो कर रहे हैं, और इससे हमें पता चलता है कि अभी हमारे आसपास कितना कंपटीशन है, जो हमने स्पोर्ट्स लिया है उसमें कितना कंपटीशन है, हमको कितना लड़ना है और कितना अपना बेस्ट देना है, इससे ये पता चलता है। हमने यहाँ पे पुशअप मारी, एक मिनट में आप कितना सर्वाधिक पुशअप मार सकते हैं, डिप्स मार सकते हैं, और हमने कितना हमारी बैलेंसिंग देखी गई यहाँ पर कि हमारा कितना अच्छा बैलेंसिंग है, और 50 मीटर स्प्रिंट हुई यहाँ पर, 600 मीटर रेस हुई यहाँ पर, तो ये सब हुआ यहाँ।